भारती जी, जब आप वहाँ पर काम कर रही थी, कब से काम कर रही थी, कितने दिन हुए थे आपको? मेरे 7 दिन हुआ थे काम करने के। जब आप जिस दिन हत्या हुई थी 16 मई को आप सुबह पहुंची, तो क्या आपने देखा, किस तरह का माहौल था वहाँ? वहाँ पे गया था मैं, 15 तारीख के छुट्टी था, 16 तारीख में सुबह 6 बजे गया था। जाने के बाद मैं घंटी लगाई थी, घंटी लगाई तो ये घंटी लगाती हूँ रोज तो जाके खोल देते, तो उस दिन गया तो ये घंटी लगाई तो खोला नहीं है, फिर खड़ी था। खड़ी रोने के बाद भी फिर पोछा का बाल्टी लेने गया था जीना से, वो पर पोछा का बाल्टी लेके आने के बाद भी देखा फिर खोला नहीं, तो फिर घंटी लगाए दोबारा घंटी लगाने के बाद भी तब अंदर से फिर आंटी आई, लकड़ी वाला था, दोनों जाली बंद था, लकड़ी वाला था, लकड़ी वाला को ठेल के मैं जाली के पास में आके मेरे साथ बात कर रहा था। अंदर से भी मेरे को बोला है जो हिमराज कहाँ गया है, तो हम बोला जो हिमराज कहाँ गया, मुझे मैं पता नहीं, मैं देखा भी नहीं। तो ये किसने पूछा कि हिमराज कहाँ गया? आंटी बोला। अच्छा ठीक है, तो हिमराज कहाँ गया, आंटी मेरे को पूछा था जो हिमराज कहाँ गया, मुझे पता नहीं है, तो वो खुद बोल रहा है तो हिमराज गया है बाहर से ताला लग करके, तब दूध लेने गया होगा बाहर से। तो हम बोला जो बाहर से ताला लाख है, तो हम तो छुट्टी किया था ना, तो हम सोचा हूँ जब अभी काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, फिर बाद में मेरे को जाना है। तो हम बोला जो आंटी आपके पास चाबी होगा, तो हम बोला जो आपके पास चाबी है, तो कहा हाँ है, तो है तो मेरे को चाबी दे दो, मैं बाहर से खोल दूंगा। तो कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ, तो दे रहा हूँ, तो मेरे को बोला है जो नीचे जाओ बालकनी की तरफ, नीचे जाओ मैं चाबी दे रहा हूँ। तो हम गया नीचे बालकनी की तरफ गया, तब मेरे को चाबी दिया। चाबी देने के बाद भी मेरे को बोल रहा है कि भारती देखो बाहर ताला लॉक नहीं है, खुला हुआ है, तो खुला हुआ है। तो हम बोला हूँ जो आंटी देखो खुला हुआ है, तो जो ताला लॉक रहेगा तो मेरे को फिर दोबारा आना ही पड़ेगा इतना। तो हम बोला हूँ कि मेरे को चाबी दे दो, तो ठीक है मैं दे रहा हूँ। मेरे को फिर चाबी बालकनी तरफ से दे दिया, देने के बाद भी आइए, आने के बाद देखा जो आंटी और अंकल जी बाहर से, मैं जाली के तरफ से मेरे को देखने मिल रहा बाहर से, चांटी और अंकल जी उस टाइम रोने लगी। अच्छा, जब आपने देखा तो क्या ताला लगा हुआ था या दरवाजा खुला हुआ था? इतना मैं ध्यान नहीं दिया जे ताला लग था कि ये था, हमने पता नहीं है, वो बोल रहा है जो कि ताला लग था। तो हम नीचे जाने के बाद भी वो फिर मेरे को बोला है बालकनी से तरफ से कि देखो बालकनी ताला लग नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, तो खुला हुआ है। तो मैं चाबी, हम बोला हूँ जी देखो आंटी मेरे को चाबी मेरे को दे दो, दोबारा ना तो आना ही पड़ेगा नीचे। तो वो बोला है जी ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो मेरे को चाबी दे दिया, देने के बाद भी मैं ऊपर आई है दरवाजे के पास आई है, तो देखा जी आंटी और अंकल जी अंदर रोने लगे। अच्छा, जैसे आप दरवाजे के पास आई तो दरवाजा आपने खोला या आंटी और अंकल ने खोला? बाहर वाला दरवाजा ऐसी भेटा हुआ था, ऐसी भटा हुआ था। मैं जाने के बाद वो मेरे को बोला है जब कि देखो ताला लॉक नहीं है, खुला हुआ है, मेरे को बालकनी से बोला है ना, इसलिए मुझे पता आ गया जब बालकनी से बोला है जो खुला हुआ है, तो इसलिए मैं जल्दी से मैं आके फिर देखा जब मेरे को काम करना है। तो मैं आने के बाद भी देखा जो आंटी रो रहा था, आंटी और अंकल जी रो रहा था, मैंने अंदर वाला लकड़ी वाला जाल का सब कहाँ था, किस हालत में था ऐसे मुझे पता नहीं है। आंटी और अंकल जी देखा है बाहर हम था, चाबी लेने के बाद भी देखा अंकल और आंटी रो रहा था, रोने के बाद हम मैं सोचा हूँ जो कोई हो तो अंदर घुस गया है, इसलिए मैं जल्दी जाके वो बोला है जो ताला लॉक है। तो बाहर से मैं देखा हूँ दो जाली के अंदर से अंदर वाला जाली वाला है, कुंडी लगा हुआ था, तो कुंडी में जल्दी से खोल के मैं जाली के पास ही खड़ी थी। खड़ी होने के बाद भी फिर आंटी के बोला हूँ आंटी क्यों क्या हो गया, इतना रो रही हो क्या, हो गया रो रही हो, तो वो बोला है मेरे आके गला पकड़ने के बाद भी फिर आंटी आंटी बोला है कि देखो क्या हो गया, आके देखो लड़की को क्या हो गया। तो बोला कि चलो भर्ती मेरे साथ क्या हो गया, तो इससे वो मेरे आगे आगे से गया, उसका पीछे पीछे से गया। जाने के बाद उसका कमरा के बाहर हम खड़ी हूँ और उसका माँ उसका चादर उठा के मेरे को दिखा रहा था, मतलब अरुषि की बॉडी जो है वो आपको दिखाई गई थी? हाँ, मेरे को दिखा रहा है बॉडी ऐसे दिखा रहा है, चादर देके ढका हुआ था, तो उसका मम्मी
मेरे को चादर से उठा के मेरे को आंटी दिखा रहा था कि देखो मेरे लड़की का कोई गला काट के चला गया है। तो देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे गला कटा हुआ है, जब बकरी जैसे काटता है ऐसे गला कटा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जो रूसी का सब उन्होंने वहाँ पे देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? उस टाइम मुझे पता नहीं है किसी को किया नहीं किया, मुझे पता नहीं है। आपसे क्या कहा फिर उन्होंने? तो मेरे को ऐसे बोलने के बाद भी मेरे को बोला है आंटी बोल रहा है कि देखो क्या आप कौन मेरे लड़की के कौन क्या करके चले गया, ऐसे मेरे को बताया। अच्छा, तो बताने के बाद भी फिर हम क्या करा हूँ किचन के तरफ आइए थे, आये तो मैं फिर बोला हूँ आंटी मैं बर्तन कर दू, तो बोला जन नहीं बर्तन ऐसे रहने दो, तो रहने दो। तो फिर आंटी का हम बोला जो किसी को बुला के दू, तो बोला जो हाँ लेके आओ बोला। तो मैं गया बीज वाला को जाके घंटी लगा के बोला है कि आंटी देखो ऊपर है एक लड़की है आंटी का, उसका लड़की के पता नहीं कौन गला काट दिया है ऐसे बोला। तो वो बोला जो मैं आ रहा हूँ। अच्छा बोलने के बाद भी फिर अभी दोबारा आंटी को बोला हूँ आंटी वो भी आ रहा है। अब बोलने के बाद फिर वो से बोला कि देखो और किसी को बुला के लेके आओ आंटी, तो बोला जा हाँ लेके आओ। तो सबसे नीचे वाली है जीने के पास, उससे जाके बोला हूँ आंटी लगा के कि आंटी देखो ऊपर वाली लड़की आंटी है, उसका एक लड़की है कोई गला काट दिया है। मतलब अरुषी के माँ बाप ने आपसे ये नहीं कहा कि पुलिस को बुलाओ या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म? ये बात मेरे को कुछ भी नहीं बोला, ऐसे बोला है कि देखो हम पूछा हूँ जो आंटी किसी को बुला लेके आओ, तो बोला जा हाँ लेके आओ। हम नीचे वाले के घंटी लगाई, तो लगाने के बाद भी उसका बोला हूँ जी देखो आंटी ऊपर वाले की एक लड़की है, उसका क्या हुआ पता नहीं गल्ला कर दिया कोई। तो वो बोला है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ जाओ। तो मैं आने के बाद भी फिर आंटी के बोला है कि आंटी देखो नीचे वाली भी आ रहा है, कुछ ठीक है। तो हम बोला हूँ जी आंटी मेरा तो टाइम हो गया है 7 बज गया है, तो हम बोला हूँ जी कि ठीक है मैं दूसरे घर जाना है मैं काम। तो बोला जी ठीक है जाओ। सीबीआई ने पुलिस ने किस तरह से पूछताछ की, किस तरह से आपसे संपर्क हुआ? वो सीपीएन वाला कोई पुलिस भी कोई कुछ नहीं बोला, अभी जितना बात बोला है इतना ही बात बोले। नहीं नहीं जैसे सीबीआई ने आपसे क्या क्वेश्चन करे थे जब बुलाया था? वो यही बात पूछने के लिए बोला था बस कि उस वक्त क्या हुआ था। हाँ जी। उसके बाद सीबीआई ने आपको कितनी बार बुलाया? मेरे को बुलाया नहीं, एक बार तो इसमें गया था ना कोर्ट में गई थी बस। मतलब कोर्ट में गए, सीबीआई ने आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया? नहीं। और पुलिस ने आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने किया था या जो हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया वो सही फैसला है? मुझे पता नहीं है भैया। नहीं नहीं आपको लगता क्या है कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि जिस हिसाब से वो गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले थे, तो आपको क्या लगता है ये फैसला सही आया है या इसे गलत आया? देखो हम ही कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ इतनी बात बोला है, आप कैसे क्या हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं।